बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, आज बेटा हम जो है वो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कई तरह से की जाती है, हम एक एक टॉपिक में पढ़ते जाएंगे। बैक्टीरिया आर आल्सो क्लासिफाइड इंटू थ्री मेजर ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स, कोकाई, बैसिलाई, स्पायरल। और ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया हैं जिनकी जो है वो शेप्स जो हैं वो कोकाई, बैसिलाई और स्पायरल के अलावा कुछ और भी होती हैं। तो फिर उनके लिए एक ही ग्रुप बना दिया गया है, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। आज ज़रा किताब में पेज 84 लास्ट पैराग्राफ, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप बैक्टीरिया क्लासीफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज, दी शेप्स आर नोन एज कोकाई, बैसिलाई एंड स्पायरल। तो ऑल द मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया स्पीशीज है फेयरली कॉन्स्टेंट करेक्टरिस्टिक्स सेल शेप, लेकिन येट सम सेल्स आर प्लियोमॉर्फिक। कुछ ऐसे हैं प्लियोमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक शेप वाले, एंड दे कैन एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप्स। येलो बॉक्स को बड़े तरह देखें, एक्सेप्शंस टू द अबव शेप्स, यानी जो है वो कोकाई, स्पायरल और बैसिलाई के अलावा बैक्टीरिया ट्राइकोम्स। भाई ट्राइकोम्स का मतलब होता है चेन, ट्राइकोम का मतलब क्या होता है चेन, ठीक हो गया ना जी। और ट्राइकोम फार्मिंग, शीथर, शीथर का मतलब आपको पता ही है तहदार लेयर वाले, स्टार्ड डंडीनुमा, स्टार्ड का मतलब डंडीनुमा, ठीक हो गया ना जी, स्टार्ड का मतलब डंडीनुमा, स्टार्ड का मतलब डंडीनुमा। और इसी तरह से जो है स्क्वेयर चार कोनों वाले, स्टार शेप्ड, और स्पिंडल शेप्ड, लोब्ड लोथरानुमा, फिलामेंटस दागानुमा बैक्टीरिया जो है। अब बेटा जी कोकाई से शुरू करते हैं। तो कोकाई जिसका सिंगुलर कोकस है, तो बेटा जी किताब से भी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे भी डेफिनेशंस मौजूद हैं, ठीक हो गया ना जी। अगर आपको किताब वाली आसानी से समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो फिर ये नोट कर लीजिएगा और इन ये याद कर लीजिएगा। मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क डाला है, बेसिकली किताब की बातों को एक्सप्लेन की है। कोकाई डेफिनेशन पहले, द कोकाई आर, आपकी किताब में लिखा हुआ है द कोकाई आर स्फेरिकल आर ओवल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है ना जी, हैविंग ओनली वंस ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स बेस्ड ऑन देयर प्लेन ऑफ डिवीजन। यहाँ तक ये कोकाई की डेफिनेशन है और जिसका सिंगुलर कोकस है। फिर दोबारा से कोकाई की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द कोकाई आर स्फेरिकल आर ओवल शेप्ड बैक्टीरिया हैविंग ओनली वन ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट से मुराद कॉलोनीज है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन देयर प्लेन ऑफ डिवीजन। तो अब प्लेन ऑफ डिवीजन की बुनियाद पर हम इनके कई अरेंजमेंट, तो पहले बेटा जी कई अरेंजमेंट यानी कई कॉलोनीज ऑफ कोकाई, पहले कोकस सिंगल स्फेरिकल और ओवल शेप बैक्टीरियम इज कॉल्ड कोकस, इस शक्ल का, ठीक हो गया ना जी। तो डिप्लोकोकस पेयर ऑफ कोकाई इज कॉल्ड डिप्लोकोकस, इनमें ना वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन होती है, एक होती है और वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन होती है। तो डिप्लोकोकस बेटा जी नेमोनाई, इसकी एग्जांपल ये मैंने शेप बना दी है डिप्लोकोकस की, और डिप्लोकोकस नेमोनाई, ठीक है ना, जो नमूनिया जो पैदा करते हैं, नमूनिया पैदा करने वाले और भी बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस। व्हेन कोकाई फार्मिंग फॉर्म लॉन्ग चेन, जब कोकाई यानी बहुत सारे कोकाई मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं उस सेल्स की, ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस, एग्जांपल गिवन स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई। तो ये जो डिप्लोकोकस नेमोनाई होता है ना, ये चाइल्ड्स में निमोनिया पैदा करता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस कोकाइन्यूमिया चाइल्ड और बड़ों दोनों में निमोनिया पैदा करता है, मेजर निमोनिया पैदा करने वाला स्ट्रेप्टोकोकस नेमोनाई है। टेट्राड वेन कोकाई डिवाइड बाय, अब देखें इन सब में तो एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन थी ये, यानी कि डिवाइड करेंगे इस तरह से तो एक से कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, समझ आ गए बात। और अगर फिर जो है वो बार बार डिवाइड करता रहे, तो भाई बार बार डिवाइड करते रहे तो ये डिवाइड करते हुए लंबी चेन भी बना सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो ये तो मैंने आपको उसमें बता दिया है, लेकिन इनमें सिर्फ वन सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है। टेट्राड व्हेन कोकाई डिवाइड बाय टू प्लेन ऑफ, टू प्लेन्स ऑफ डिवीजन,
टू प्लेन्स ऑफ डिवीजन से द रिजल्टेंट अरेंजमेंट ऑफ फोर कोकाई, तो चार कोकाई पैदा होंगे, तो टेट्राड, टेट्रा इसकी एग्जांपल मैंने दी है किताब में नहीं है, टेट्रा जिनोकोकस स्पीशी इन्वॉल्व इन फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन दही बनाने में, इथेनॉल बनाने में वगैरह में। तो ये बड़े देख लें कि चार बैक्टीरिया जो है वो एक स्केयर की तरह जो है वो मौजूद है। सारसीना व्हेन कोकाई डिवाइड बाय थ्री प्लेन्स ऑफ डिवीजन, थ्री प्लेन्स द रिजल्टेंट अरेंजमेंट ऑफ एट कोकाई इज कॉल्ड सारसीना, तो सारसीना वेंट्रिक्यूलाई जो है, ये मैंने एग्जांपल दिया किताब में नहीं है, प्रोड्यूस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स इन ह्यूमंस। तो बड़े इधर देखें, ये आपको नजर आ रहे होंगे ये बन गया टेट्राड, लेकिन अब ये क्या बन गया है, चार बैक पे बन गया, चार फ्रंट पे, तो ये ऑक्टेट बन गया है या ऑक्टेंट बन गया है आठ कोकाई का। स्टेफलोकोकस व्हेन कोकाई डिवाइड बाय रैंडम प्लेन ऑफ डिवीजंस, कभी वर्टिकल हो जाए, ट्रांसफर हो जाए वगैरह वगैरह, बदलते रहे, तो उस वक्त तो अरेंजमेंट इज कॉल्ड स्टेफलोकोकस एयरस जो है, इनकी इररेगुलर अरेंजमेंट होते हैं ग्रेप्स लाइक क्लस्टर्स की तरह जो है। बेसिलाई की तरफ आ जाते हैं बड़ा जी, पेज 85 पे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, लास्ट पैराग्राफ में पहुंच गया हूं। बेसिलाई सिंगल बेसिलस, जिसका सिंगुलर क्या है बेसिलस, डेफिनेशन रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बेसिलाई। तो प्लेन ऑफ डिवीजन बड़ा जी, बेसिलाई है जो सिर्फ ओनली वन वर्टिकल प्लेन ऑफ डिवीजन में डिवाइड करते हैं, ये इस तरह से डिवाइड करके एक से दो में तब्दील होते हैं, ये ऐसे डिवाइड ही नहीं करते, इस तरह से डिवाइड करते हैं, इस तरह की प्लेन ऑफ डिवीजन जो है वो इनमें नहीं पाई जाती। मैं दोबारा से बना देता हूं, ये एक बेसिलस है, ये ऐसे डिवाइड नहीं करते, इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो इस तरह से या तो डिप्लो बेसिलस बनेंगे या स्ट्रेप्टो बेसिलस, क्योंकि टेट्राड्स और सारसीना नहीं बनेंगे। बेसिलस सिंगल रॉड शेप बैक्टीरियम इज कॉल्ड बेसिलस, डिप्लो बेसिलस पेयर ऑफ बेसिलाई, स्ट्रेप्टो बेसिलस चेन ऑफ बेसिलाई, ठीक है ना जी। एग्जाम्पल्स बेटा जी आपकी किताब में लिखी हुई एग्जाम्पल्स और रॉड शेप बैक्टीरिया है चर्चिया कोलाई, ई कोलाई जिसे हम कहते हैं, और बेसिलस सबटेलस और सुडोमोनास जो है, तो सुडोमोनास एक साइनोबैक्टीरियम है। अब अगले पेज 86 पे आ जाए, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, तो बड़ा जी इनकी पहले डेफिनेशन, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो कि स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड बैक्टीरिया जो है उनको कहा जाता है, तो इसकी तीन तरह के होते हैं स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरल्स यानी स्पाइरल बैक्टीरिया कम्स इन वन ऑफ थ्री फॉर्म्स, विब्रियो, उसकी डेफिनेशन, विब्रियो क्या है, कर्व्ड आर कोमा शेप, स्पाइरलम दूसरी, थिक रिजिड स्पाइरल के स्पाइरल बैक्टीरिया के लिए, और स्पाइरोकीट थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया। इसकी एग्जाम्पल्स बेटा जी क्या की गई हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया विब्रियो, हाइफोमाइक्रोबियम एटसेट्रा। तो ये बड़ा ही आपका आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें, अल्लाह ताला हम सब का आमीन आसर हो, आमीन, शुक्रिया।